और अब बात करते हैं दालों की। दालों को लेकर अच्छी खबर यह है कि इम्पोर्ट और खरीफ की सोइंग बढ़ने से दाल की महंगाई में कमी की संभावना बढ़ गई है। और जिस तरह से हाल के दिनों में अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट बढ़ने के आसार हुए और बढ़े, उसका इम्पैक्ट हमने देखा। और इस साल दलहन की बुआई 7.5% बढ़ी है और ये कहा जा रहा है कि दिसंबर तक देसी चने का भी इम्पोर्ट ठीक ठाक हो जाएगा 15 लाख टन के आसपास, तो सप्लाई के मोर्चे पर चिंता घटेगी। हमारे साथ हिमांशु पांडे जुड़ चुके हैं वैलेंसी इंटरनेशनल के। हिमांशु जी, बहुत स्वागत है आपका। आप बताइए, क्या आपको भी लगता है कि दालों की महंगाई से अब जल्द राहत मिलने वाली है? धन्यवाद सर। दालों की महंगाई, जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक बोला कि इस बार प्रोडक्शन ठीक ठीक एवरेजली अपन देखें तो सोइंग सब जगह ठीक है। एक थोड़ा सा कंसर्न जो रेज हुआ है वो थोड़ा सा एक्सेस रेनफॉल का रेज हुआ है अराउंड सम बेल्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, तो वो एक थोड़ा सा चैलेंज है। अदरवाइज इम्पोर्ट्स के नाम पे अभी ऑस्ट्रेलिया का चना हमारे पास आ जाएगा आफ्टर दिवाली, तब तक दिवाली चल रही है तब हमारे पास तंजानिया का एक बफर क्रिएटेड है। कंसर्न्स थोड़े बहुत हैं जैसे कि हर ट्रेड में रहते हैं। अगर कंसर्न्स की बात करें तो जैसे कि मैं पिछली बार ही बोला था कि यहाँ पे हमारे को पोर्ट में कंजेशन काफ़ी है दार सलाम में फ्रॉम तंजानिया, तो वहाँ पे मटेरियल इंडिया में आने में थोड़ा सा डिले है, स्पिल ओवर थोड़ा सा है टूवर्ड्स दिवाली। तो कंसिक्वेंटली मटेरियल की अवेलेबिलिटी ठीक ठाक है जो आएगी इंडिया में, स्पिल ओवर की वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत स्पेकुलेटिव मूव दिख सकता है अराउंड दिवाली सीजन, बट ओवरऑल अवेलेबिलिटी ठीक ठीक है टूवर्ड्स आफ्टर दिवाली। एंड प्रोडक्शन की बात करें, अगर रेनफॉल्स का एक थोड़ा सा चैलेंज दिखता है इन एरिया ऑफ तूर एंड उड़द, तो वो एक थोड़ा सा अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं रहेगा तो अवेलेबिलिटी एंड प्रोडक्शन नंबर्स विल ऑब्वियसली रिड्यूस द ओवरऑल इम्पैक्ट इन द प्राइस फॉर कपल ऑफ क्रॉप्स। चना जो है अभी स्विंग का टाइम थोड़ा दूर है, तो विल सी कि कैसा होने वाला है, बट एज ऑफ नाउ व्हाट वी सी, अगर हम जो डेटा की भी बात करें टूर की बात करें तो लगभग आपका 7.26% के आसपास इंक्रीज है। आपका अगर हम उड़द की बात करें तो भी उसमें भी ग्रोथ दिख रही है अराउंड, मतलब दाम कम होंगे, मतलब आप भी ये कहना चाह रहे हैं कि अब यहाँ से दाम बढ़ेंगे नहीं, कम होने शुरू होंगे, राइट? थोड़ा सा स्पिल ओवर अगर ना रहे ज्यादा फ्रॉम तंजानियन क्रॉप तो पोस्ट दिवाली यस इट शुड बी। अच्छा, पोस्ट दिवाली आप कह रहे हैं कि दाम कम हो सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हिमांशु जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।